नमस्कार, टारगेट विद आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में मैं शिवांगी श्रीवास्तव आप लोगों का स्वागत करती हूँ। हम आप लोगों को टीएचडी पीजीटी के लिए होम साइंस पढ़ाएंगे। आज हम लोग पिछले दो लेक्चर में हम लोग रेशो के बारे में ही पढ़ रहे थे। रेशो में हम लोग प्राकृतिक रेशे के बारे में पढ़े हैं, मानवकृत रेशे के बारे में पढ़े हैं। जो प्राकृतिक रेशा हम लोगों का होता है वो क्या होता है, प्रकृति से पदार्थों को प्राप्त करके, प्रकृति से चीज़ों को लेकर के हमारा रेशा जो प्राप्त होता है वो प्रकृति से ही, सारे तत्व उसके प्रकृति से मिलकर ही हमने रेशा बनाया। जो मानवकृत रेशा था, मानव ने रेशे बनाए, रासायनिक पदार्थों को भी मिलाया, लेकिन उसका जो मूल स्वरूप था क्या था, पौधों से प्राप्त सेल्युलोज ही था, यानी कि उसमें भी प्रकृति के कुछ तत्व पाए गए। लेकिन जो हमारा आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक रेशे के बारे में, जो हमारा रासायनिक रेशा होता है वह रेशा होता है जिसमें किसी भी प्राकृतिक पदार्थ का प्रयोग नहीं किया जाता है, उसमें बस क्या प्रयोग किया जाते हैं, रासायनिक पदार्थ, यानी कि रासायनिक पदार्थों के बस प्रयोग के द्वारा रेशे बनाए जाते हैं। वैज्ञानिकों ने खोज किया, उनको लगा कि हम बस प्रकृति से चीजें नहीं लें, हम खुद कुछ रासायनिक पदार्थों के क्या संयोग से रेशे प्राप्त हो सकते हैं। वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत, लंबे प्रयास के द्वारा उन्होंने खोज निकाला एक ऐसे रेशे को जो देखने में बहुत ही सुंदर, आकर्षक, और उनकी जो क्वालिटी थी वो प्राकृतिक रेशों से भी ज्यादा थी। हम लोग प्राकृतिक रेशे के बारे में पढ़े हैं तो हम लोग क्या पढ़े कि जो हमारा प्राकृतिक रेशा होता है उसमें बहुत सारे गुण हैं, कोमल होते हैं, मुलायम होते हैं, हमारे शरीर के लिए आरामदायक होते हैं, लेकिन साथ में साथ उसके कुछ अवगुण भी होते हैं। जैसे कि क्या होता है कि उनकी जो सफाई धुलाई होती है वो कठिन होती है, उनको धोना, उनको उनका संचयन करना कठिन होता है। अगर हम उसको एक बार धुलते हैं फिर उन्हें प्रेस करने की जरूरत होती है, बिना उसके हम पहन नहीं सकते। तो मानव ने एक ऐसे रेशे को खोजना चाहा कि जिसको हम आजकल के जीवन, व्यस्त जीवन में जिसको हम आसानी से हम प्रयोग कर सकें, आसानी से उसकी देखभाल कर सकें, उसकी सुरक्षा कर सकें। तो मानव ने रासायनिक रेशों को खोजा। रासायनिक रेशे में आज हम लोग बात करेंगे, नायलॉन की बात करेंगे हम लोग। जो हमारा नायलॉन होता है, नायलॉन वैज्ञानिकों द्वारा किया गया एक चमत्कार था नायलॉन का रेशा, क्योंकि ये रेशे जो होते हैं बहुत अधिक मजबूत होते हैं, और इनके आजकल के भागदौड़ के व्यस्त जीवन में नायलॉन के जो वस्त्र हैं वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, और इससे बहुत रेशों को मिलाकर भी वस्त्र बनाए जाते हैं इसमें। तो जो नायलॉन होते हैं, नायलॉन को हम क्या कहते हैं, ताप सुनम या संश्लेषित रेशा भी कहते हैं। ताप सुनम क्यों कहते हैं, क्योंकि ताप द्वारा ही इनको एक आकार एवं आकृति प्रदान की जाती है, और जो एक स्पेशल जो जितना ताप होता है उसको सहन करने की क्षमता भी इनमें पाई जाती है, इसके कारण इन्हें ताप सुनम्य रेशे कहा गया। और संश्लेषित रेशे क्यों कहा गया, संश्लेषण का मतलब होता है बनाना, यानी कि जो हमारा ये नायलॉन का रेशा था इसको मानव ने रासायनिक पदार्थों के द्वारा बनाया, इसलिए इसको संश्लेषित रेशा कहा जाता है। जो हमारा नायलॉन है इसे ताप सुनम और संश्लेषित रेशा भी कहा जाता है। तो जो हमारे ताप सुनम रेशे होते हैं वो उसमें बस नायलॉन यही नहीं आते, इसके अलावा इसमें आरलॉन, एक्रिलॉन, पॉलिस्टर, डेक्रान, ये सारे भी हमारे ताप सुनम रेशों के अंतर्गत आते हैं। अक्सर एग्जाम में आता है कि ताप सुनम रेशे हमारे कौन कौन से होते हैं, तो ताप सुनम रेशे हमारा नायलॉन, आरलॉन, एक्रिलॉन, पॉलिस्टर और डेक्रान, ये सारे जो रेशे होते हैं सारे ताप सुनम्य रेशे कहलाते हैं। अब जो हमारे नायलॉन होते हैं उन्हें और किस किस नामों से जाना जाता है ये भी हम लोग पढ़ेंगे। पहला होता है कि जो हमारे नायलॉन होते हैं उन्हें जादुई रेशा कहा गया। जादुई रेशा क्यों कहा गया, क्योंकि जो हमारे नायलॉन के रेशे होते हैं वो बहुत अधिक हल्के होते हैं, जो उनके वस्त्र होते हैं, बहुत सारे नायलॉन के कपड़े हम लोग पहनते हैं तो वो बहुत हल्के होते हैं, हमारे शरीर के लिए बहुत ही आरामदायक होते हैं, और जब इसके रेशे का आविष्कार हुआ तो ऐसा माना गया कि जादू के रूप में रेशे को प्राप्त किया गया है, इसलिए जो नायलॉन का रेशा था उसे जादुई रेशा की संज्ञा दी गई। नायलॉन को और क्या कहा जाता है, सुगम जीवन रेशा। सुगम जीवन रेशा का मतलब होता है कि नायलॉन के द्वारा हमारा जो जीवन है वो और भी अधिक आसान हो गया, यानी कि इनकी सफाई धुलाई, सुरक्षा करना, इनको कहीं पहन के आना जाना शरीर के लिए भी आरामदायक ही होते हैं, इसलिए इन्हें सुगम जीवन रेशा भी कहा गया। तथा इन्हें क्या कहा गया, धो और पहनो रेशा। धो और पहनो का मतलब क्या होता है कि इन्हें हम धुलते हैं, अगर हम इनको धुलते हैं तो धुलने के बाद हम इसको आसानी से पहन सकते हैं, इसको प्रेस करने की जरूरत नहीं होती है, इसलिए इन्हें धो और पहनो रेशा भी कहते हैं। यहाँ पे नायलॉन के हमको कितने नाम प्राप्त हुए, जो हमारा नायलॉन है
वह एक क्या है? ताप सुनम्य रेशा है। जादुई रेशा है। और क्या है ये हमारा? और इसे हम सुगम जीवन रेशा सुगम जीवन रेशा और धो और पहनो वस्त्र भी कहते हैं। यानी कि इतने सारे नाम है जो हम लोग नायलॉन को दिए हुए हैं, जो नायलॉन को नाम दिया गया, ये सारे नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसी में से क्वेश्चन आते हैं। ताप सुनम्य रेशे और संश्लेषित रेशे भी इन्हें कहा गया। तो जो नायलॉन है उन्हें ताप सुनम्य रेशे, संश्लेषित रेशे कहा गया, जादुई रेशा कहा गया, और इन्हें सुगम जीवन रेशा और धो पहनो वस्त्र भी कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो नायलॉन हमारा था यह 20वीं शताब्दी की अनुपम देन है। जो वैज्ञानिकों ने 20वीं शताब्दी में नायलॉन के रेशे की खोज की, 20वीं शताब्दी में नायलॉन के बारे में बताया गया कि एक ऐसा भी रेशा होता है, ऐसे भी रेशे से वस्त्र बनाया जाता है जिसमें किसी भी प्राकृतिक पदार्थों का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो नायलॉन जो हमारा है वो 20वीं शताब्दी की देन है। नेक्स्ट जो होता है, जो हमारे ताप सुनम्य में जो हमारे रेशे होते हैं, जो भी ताप सुनम्य रेशे होते हैं वो क्या होते हैं? पॉलीमर के द्वारा बने होते हैं। ताप सुनम्य जो रेशे होते हैं वो किससे बने होते हैं? वो पॉलीमर के द्वारा, पॉलीमर रसायन के द्वारा ही वो निर्मित होते हैं। अब पॉलीमर क्या होते हैं? जो भी जितने भी ताप सुनम्य रेशे हम लोग पढ़ेंगे, डेक्रान, बारलान, पॉलिस्टर, वो सारे जो होते हैं वो पॉलीमर के द्वारा बने होते हैं। अब पॉलीमर क्या होता है ये हम लोग देख लेते हैं कि क्या होते हैं, कि जो अनेक इकाइयां, जैसे कि अनेक मोनोमर, मोनोमर क्या होता है? मोनोमर दो भागों में अगर हम इसको बांटते हैं तो मोनो और मर। मोनो का मतलब होता है एक और मर का मतलब होता है इकाई। मोनोमर होता है एक इकाई और पॉलीमर क्या होता है? पॉलीमर को अगर हम दो भागों में बांटते हैं तो पॉली का मतलब होता है अनेक और मर का मतलब होता है इकाई। यानी कि अनेक मोनोमर मिलकर एक पॉलीमर बनाते हैं। जैसे कि हमने देखा कि एक मोनोमर, यहाँ पे एक मोनोमर है, कई मोनोमर जब आपस में मिलते हैं तो यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी? पॉलीमर कहलाएगी। अनेक मोनोमर जब आपस में मिलते हैं तो उसे पॉलीमर कहा जाता है। और जो ये पॉलीमर होते हैं, जब ये श्रृंखलाबद्ध रूप में व्यवस्थित होते हैं, यानी कि ऐसे व्यवस्थित होते हैं कि कतार में, एक क्रम में व्यवस्थित होते हैं, जैसे कि यहाँ पे है ना, तो ये क्या है? एक क्रम में व्यवस्थित हो रहे हैं। तो इनको और सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक क्रम में व्यवस्थित हो रहे हैं, तो इन्हें क्या कहेंगे? पॉलीमराइजेशन। अनेक मोनोमर मिलकर पॉलीमर बनाते हैं और पॉलीमर जब व्यवस्थित रूप से श्रृंखलाबद्ध होते हैं तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन। जैसे कि हम लोग अगर फूल की माला बनाते हैं तो माला हम कैसे बनाएंगे? अनेक सारे फूल जब हम लेंगे, तो हमारा एक माला बनता है। उसी तरह से अनेक पॉलीमर को जब हम क्रमबद्ध रूप से, व्यवस्थित तरीके से जब हम इकट्ठा करते हैं तो वह प्रक्रिया कहलाएगी हमारी पॉलीमराइजेशन। क्लियर हो आप लोगों को? क्लियर होगा। और जो हमारे पॉलीमर होते हैं, अगर वो उनकी जो इकाइयां होती हैं वो श्रृंखलाबद्ध में, एक व्यवस्थित श्रृंखला में जब वो होती हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? पॉलीमराइजेशन कहते हैं। ठीक है, फिर अमेरिका के सबसे पहले पॉलीमर के बारे में किसने बताया? अमेरिका के ई.आई. ड्यूपोंट, डी. नीमस एंड कंपनी ने सबसे पहले पॉलीमर के बारे में उन्होंने ही बताया। अमेरिका के ई.आई. ड्यूपोंट, डी. नीमस एंड कंपनी ने पॉलीमर नामक रसायन का आविष्कार किया। सबसे पहले इन्होंने ही पॉलीमर नामक रसायन का आविष्कार किया और बताया कि इससे रेशे बना सकते हैं। और कौन सबसे पहले रेशा बनाया था नायलॉन का? तो नायलॉन की खोज सबसे पहले डॉक्टर वेलेस एच कैरोथर्स को जाती है।
सबसे पहले नायलान जो बनाए थे वो वेलेस एच कैरोथर्स ने बनाए थे। ये भी जो थे वो अमेरिका के ईआर ड्यूपोंट डी निमसन कंपनी के एक रसायन शास्त्री थे। ये और इनके मित्रों ने मिलकर के नायलान का निर्माण किया। इनका मानना था ये पॉलीमर पे बहुत इनका पॉलीमर पे बहुत ज्यादा खोज करते थे, पॉलीमर से लेकर नित नए नए खोज, इनको बहुत उस चीज में शौक था। तो उन्होंने सोचा कि कैसे पॉलीमर के द्वारा रेसे बना सकते हैं। तो टिन में पॉलीमर को भर के उन्होंने उसको टपकाया, और जब टपकाया उसको फिर उससे जो गाढ़ा घोल निकला उसको खींचा, और जो खींचा तो वो अपनी लंबाई से बहुत ज्यादा, मतलब 7 से 8 गुना तक वो बढ़ा। तो इन्होंने देखा कि इसे बहुत सुंदर आकर्षक रेशा मिला। फिर उन्होंने उस ऐसे ही रेशे निकाले और उससे क्या हुआ, वस्त्र निर्माण किया। तो सबसे पहले जो नायलान से नायलान की खोज उन्होंने डॉक्टर वेलेस एच कैरोथर्स ने की थी। सबसे पहले जब डॉक्टर वेलेस एच कैरोथर्स ने जब उन्होंने नायलान बनाया, तो सबसे पहले जब उन्होंने 1935 में जो पॉलीमर का उन्होंने मिश्रण लिया तो वो प्रमुख रूप से जो पॉलीमर थे वो क्या होते थे, हेक्सामिथिलीन, डाइएमीन तथा एडीपी कम्ल। उन्होंने जो पॉलीमर का पहले जब यूज किया तो वो दो ही पॉलीमर थे, उसमें था हेक्सामिथिलीन, डाइएमीन और एडीपी कम्ल, इसको मिलाकर के उन्होंने रेसे बनाए। तो ये जो भी था हेक्सामिथिलीन, डाइएमीन और एडीपी कम्ल जो थे, इन दोनों ही रसायनों में जो कार्बन परमाणु थे वे 6-6 की संख्या में थे, 6-6 की संख्या में वो थे, जो हेक्सामिथिलीन डाइएमीन 6-6 की संख्या में, और एडीपी कम्ल जो है वो भी 6-6 की संख्या में ही थी। इस कारण से उस समय जितने भी रेसों का निर्माण हुआ इस पॉलीमर के द्वारा उसे क्या कहा गया, पॉलीमर 6-6 की संज्ञा दी गई। उसे क्या कहा गया, उसे नायलान पहले क्या था, जो नायलान के रेसे से उन्हें नायलान नहीं कहा जाता था, उन्हें पॉलीमर 6-6 कहा जाता था। और ये एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है, कई बार आया होगा कि जो पॉलीमर 6-6 किसे कहा जाता है, तो नायलॉन ही है जिसे पहले पॉलीमर 6-6 कहा जाता था, लेकिन बाद में इनका नाम बदल दिया गया। 1938 में इन्हें क्या कह दिया गया, नायलॉन कहा गया। नायलान का कोई भी विशेष अर्थ नहीं होता है कि नायलान का क्या अर्थ होता है, जैसे कि हम लोग रेयॉन पढ़ रहे थे तो रेयॉन का अर्थ होता है सूर्य की किरणों को परावर्तन करना, लेकिन नायलान का कोई अर्थ नहीं होता, बस ऐसे एक नाम देना था तो उन्हें एक नायलान नाम दे दिया गया। पहले इन्हें पॉलीमर 6-6 ही कहा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे नायलान निर्माण प्रक्रिया, यानी कि जो नायलान से वस्त्र निर्माण किस तरह से किया जाता है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करेंगे, पॉलीमराइजेशन प्रक्रिया। पॉलीमराइजेशन प्रक्रिया हमने आप लोगों को बताया है कि जब इकाइयां जब एक क्रम में व्यवस्थित होती हैं तो उसे क्या कहते हैं, पॉलीमराइजेशन प्रक्रिया। लेकिन जो हमारे नायलॉन के रेसे होते थे वह रासायनिक चीजों की जटिल श्रृंखला होती थी, यानी कि वह रासायनिक प्रक्रिया की एक जटिल श्रृंखला होती है। और इसमें क्या क्या मिलाते हैं हम, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। जो हम पॉलीमराइजेशन जो हम करते हैं उसमें हम कार्बन डालेंगे, ऑक्सीजन डालेंगे, नाइट्रोजन डालेंगे, और हम लोग कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन सब डालते हैं, और वो भी एक नियंत्रित और निश्चित अनुपात में डाला जाता है। जैसे हमको रेसे प्राप्त करने होते हैं उसी के हिसाब से हम इन चीजों को सम्मिलित करते हैं। और फिर इनको क्या करते हैं, जब हमारी गाढ़ा घोल बन जाता है उसको हम कैसे निकालेंगे, स्पिन रेट से। स्पिन रेट के बारे में हमने आप लोगों को बताया था, स्पिन रेट एक ऐसा यंत्र होता है जिसमें हम गाढ़े घोल को ऊपर से डालते हैं और नीचे से हमारे रेशे जो होते हैं वो निकलते हैं। जितने भी पतले हमको रेशे चाहिए होता है, जितने लंबे रेशे चाहिए होता है, उसके अनुसार इसके छिद्र होते हैं और इसी में घोल को डालते हैं और रेशे हमारे वो बाहर आते जाते हैं, और इधर से वायु प्रवाहित की जाती है जिससे कि रेशे जैसे ही बाहर आते हैं वो क्या होते जाते हैं, कठोर होते चले जाते हैं। फिर इनको हम लपेट लेते हैं और धागा बनाते हैं। फिर तो स्पिनरेट ये यंत्र है, इसी के द्वारा फिर ये जो गाढ़े घोल होते हैं, सबसे पहले पॉलीमराइजेशन प्रक्रिया होती है, उसके बाद क्या होता है, स्पिनरेट से इसको निकाला जाता है। जैसे कि आप लोग सोच रहे होंगे कि बहुत ज्यादा डीप पढ़ रहे हैं हम लोग, इसमें क्या है कि अगर हम लोगों का इंटरव्यू खत्म हो गया तो जो हम लोगों का पेपर का लेवल है वो बहुत हाई हो जाएगा, इसलिए हमको कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ना है, सबको साथ में लेके चलना है, सबकी अच्छे से पढ़ाई करनी है। तो इसको हम अगर क्रम में लगाते हैं तो पहले हम पॉलीमराइजेशन प्रक्रिया करेंगे, फिर उसके बाद हम उसको जब एक गाढ़ा घोल हो जाएगा तभी तो हम उसको स्पिन रेट से निकालेंगे, इसके बाद हम उसको क्या करेंगे, स्पिन रेट से निकालेंगे। नेक्स्ट है हमारा
नेक्स्ट है रेसों को खींचना। क्या होता है कि जब हम घोल को डाल रहे हैं, यानी कि एक यंत्र है, इसमें हमने घोल को डाला, यहाँ पे हम घोल को डालते हैं, फिर स्पिंडरेट द्वारा ये बाहर निकल रहा है। यहाँ पे घुमाओ, फिर यहाँ पे आके हमने इसको धागे के रूप में लपेट लिया, फिर यहाँ पे हमने इसको धागे में लपेटा। जैसे कि जो हमारे नायलॉन के धागे होते हैं उसको क्या होता है, जब उसको घोल से निकाला जाता है फिर उसको खींचा जाता है। कैसे खींचा जाता है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्पिंडरेट के घोल में, यहाँ पे स्पिंडरेट में ही हम घोल को, गाढ़े घोल को डालते हैं। जब हम गाढ़े घोल को डालते हैं तो यहाँ से हमको ये रेशा मिलता है, रेसों को ये जो घोल है ये क्या करता है, खींचता है। यानी कि यहाँ से अगर हमारा 5 इंच का धागा निकला तो यहाँ पे आके उसकी लंबाई 10 इंच हो जाएगी। यहाँ पे ये घोल जो चक्र ये रेसे को खींच रहा है, तो यहाँ पे खींचते हैं, फिर यहाँ से यहाँ आएंगे तो ये भी रेसों को खींचेगा। यानी कि यहाँ से जो हमारे से 10 इंच के हुए थे यहाँ 15 इंच हो जाएंगे। फिर इनको गोल में लपेट लिया जाता है, लूप में इनको लपेट लिया जाता है। उसके बाद फिर नीचे आके फिर यहाँ पे ये रेसे इनको खींचते हैं, यहाँ से यहाँ पे प्रत्येक अवस्था में जो रेसे हमारे क्या होते हैं, वो खींचते चले जाते हैं और पहले की यहाँ की अपेक्षा वो और अधिक पतले होते चले जाते हैं। जो मोनोमर जो अलग अलग यहाँ यहाँ दिखाई दे रहे थे, जब हम इनको खींचते हैं तो ये क्या होते हैं, ये बिल्कुल पास पास आ जाते हैं, जिससे इनकी जो संरचना होती है वो और भी अधिक ये मुलायम। जब खींचते हैं, जब जितने हम रेसे को खींचेंगे वो क्या होगा, हमारा धागा उतना ही अधिक मजबूत हो जाएगा, उतना ही अधिक वो चमकदार भी हो जाता है। तो यहाँ पे हमने एक बार में खींचा, फिर दूसरी बार यहाँ खींचे, फिर तीसरी बार यहाँ, फिर चौथी बार फाइनली हम यहाँ खींचते हैं, तो पूरा हमारा जो धागा होता है वो अपनी इच्छा अनुसार जितना हमको चाहिए होता है उतना बारीक मिल जाता है। तो फिर हम उसको क्या करेंगे, इसको यहाँ पे अच्छे से लपेट लेंगे, फिर यहाँ से हमको धागा वो प्राप्त हो जाता है। ठीक है, जो रेसों को हम खींचेंगे तो रेसे खींचने से क्या होते हैं, रेसों को जब हम खींचते हैं, खींचने से रेसे क्या होते हैं कि अपनी मूल लंबाई से, जब हम रेसे आप लोग देखिए ना 3-4 जगह हम उसको खींच रहे हैं तो अपनी मूल लंबाई से बढ़ते चले जाते हैं। तो जो हमारे धागे रहते हैं जो ऊपर से निकले रहते हैं स्पिंडरेट से, उसकी अपेक्षा जब हम उसको खींचते हैं तो वो अपनी मूल लंबाई से 7 से 8 गुना अधिक, 7 से अगर हम ऊपर से अगर धागा हमारा 10 इंच का निकला, नीचे आते आते वो 80 इंच का हो गया। यानी कि 7 से 8 इंच वह अपनी लंबाई से 7 से 8 इंच तक वो बढ़ता है और भी खींचता है। तो जो धागे होते हैं हमारे नायलॉन के, वो जब खींचते हैं हम तो वो अपनी लंबाई से 7 से 8 गुना अधिक लंबे हो जाते हैं। और खींचने से क्या हो जाएंगे, हमारे रेसे और भी अधिक मजबूत हो जाएंगे, और भी अधिक चमकदार हो जाएंगे और लचीले दिखाई देंगे। जितना भी हम उसको पतला बनाएंगे वो रेसे हमारे उतने ही मजबूत, कोमल और लचीले हो जाते हैं। और जो नायलॉन की बारीकी होती है, जो भी नायलॉन की बारीकी होती है उसको कैसे हम मापते हैं, नायलॉन की बारीकी को डेनियर से मापा जाता है। नायलॉन की जो बारीकी होती है, जितना पतला धागा होगा उसको डेनियर से मापेंगे, और डेनियर का अर्थ होता है धागों का वजन, यानी कि हमारा जो धागा है वह कितने वजन का है यह डेनियर में मापा जाता है। और कपास को हम काउंट में मापते हैं, कपास को जो छोटा छोटा रेसा होता है उसको हम काउंट में मापते हैं, लेकिन जो लंबा रेसा होता है उसको हम डेनियर में मापते हैं। तो जो हमारा नायलॉन होता है उसकी बारीकी को हम डेनियर में मापेंगे, और डेनियर का अर्थ होता है हमारा धागे का वजन, यानी कि जो धागा है हमारा उसका वजन क्या है, उसके आधार पर उनको अलग अलग वर्ग में विभाजित किया जाता है और उसी के अनुसार उनसे वस्त्र भी बनाए जाते हैं। जो 12 डेनियर होते हैं, 12 डेनियर का जो धागा होता है हमारा वो सबसे महीन धागा, नायलॉन का 12 डेनियर का धागा हमारा क्या होता है, सबसे महीन होता है। इसके बाद मिल जाएगा मोटा, लेकिन 12 से कम नहीं मिलता, क्योंकि सबसे महीन जो धागा होता है वो 12 डेनियर का होता है। इससे अधिक क्या होते हैं, 12 डेनियर, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70 तक होते हैं। जो इसकी मोटाई होती है वह 12, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70 इतनी तक होती है। लेकिन जितना हम आगे बढ़ते जाएंगे उतना हमें क्या होगा, मोटा धागा प्राप्त हो जाएगा। सबसे बारीक धागा हमारा 12 है, 15 हम और उससे मोटा जाएंगे, 30 और मोटा जाएंगे, अगर हम 70 लेंगे तो वो और अधिक मोटा हो जाएगा।
जितने ही हमको अगर हमको वस्त्र के लिए कपड़े बनाने रहते हैं तो हम कम डेनियर के धागों का प्रयोग करते हैं, लेकिन जो अगर हम पैरासूट की रस्सी बना रहे हैं और जो ये पहिया आदि होते हैं, पहिए की रबड़ आदि बना रहे हैं, तो उसके लिए हम अधिक डेनियर के धागों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वो और भी अधिक मजबूत होता है। फिर हम नेक्स्ट है हमारा चमक कम करना। रेयन में भी हम लोग पढ़े थे कि जो मानवकृत रेसे होती हैं, रासायनिक रेसे होती हैं, इनकी चमक बहुत ज्यादा होती है, यानी कि ऐसे ही हम इनसे वस्त्र नहीं बना सकते, तो इनकी चमक को हम कम करते हैं। चमक को कम कैसे करेंगे? जब हम घोल बनाते हैं, जो रासायनिक घोल हमने बनाया है जिसके द्वारा हम रेसे को निकालते हैं, उसी घोल में ही हम टिटेनियम डाइऑक्साइड, उसी घोल में जो हमने यहाँ पे घोल बनाया है स्पिनरेट में से हम निकाल रहे हैं, इसी घोल में हम टिटेनियम डाइऑक्साइड, बोरियम सल्फेट अथवा जिंक ऑक्साइड का प्रयोग करेंगे। सभी का प्रयोग नहीं करेंगे, किसी एक चीज को उसी घोल में डाल देते हैं। इसमें से जिंक ऑक्साइड, बोरियम सल्फेट अथवा जिंक ऑक्साइड का प्रयोग करके हम इस घोल में अगर हम डाल देंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, जो हमारे यहाँ से रेसा निकलेगा ना, उसकी चमक ज्यादा नहीं होगी, जितनी चमक हमको चाहिए होती है वस्त्रों के लिए, जितनी चमक उपयुक्त होती है उतने ही चमक के रेसे हमें प्राप्त होंगे। तो जो रेसे होते हैं नायलॉन के रेसे में, इनकी चमक को सामान्य से कम किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे नायलॉन के रेसे के प्रकार। नायलॉन के रेसे के जो प्रकार होते हैं, नायलॉन के रेसे जो होते हैं प्रमुख रूप से कई प्रकार के ये होते हैं। नायलॉन के प्रकार, पहला है हमारा इकहरा धागा, दूसरा है हमारा बहुरेसीय धागा, नेक्स्ट है हमारा स्ट्रेच धागा, नेक्स्ट है हमारा कता हुआ धागा, नेक्स्ट है हमारा टेक्सचर धागा। तो इतने सारे हमारे जो नायलॉन के धागे होते हैं, इतने उनके प्रकार होते हैं। इकहरे धागे के बारे में हम लोग रेयन में भी पढ़े थे कि जब हम स्पिनरेट से जो धागा निकालते हैं, जो एक सिंगल धागा यहाँ से निकलता है, जो सिंगल रेशा यहाँ से निकल रहा है, उसी से ही हम वस्त्र बनाते हैं। यानी कि इकहरा धागा, जो सिंगल रेशा निकल रहा है, उसी से जब हम धागे बनाते हैं, धागे बनाकर वस्त्र बना रहे हैं, तो उसे हम इकहरा धागा करेंगे। इकहरा धागा जब हमको प्राप्त करना होता है, तो जो हम वायु प्रवाहित करते हैं, तो इस हिसाब से प्रवाहित करते हैं ताकि जो हमारा ये इकहरा धागा होता है वह कमजोर न हो और मजबूत ही बना रहे। जो हमारा इकहरा धागा होता है ज्यादा मजबूत नहीं होता, क्योंकि अकेला सिंगल होगा तो ज्यादा मजबूत नहीं होता है। मजबूती इसकी क्या कम होती है? इसकी मजबूती जो होती है वो कम होती है। और इससे हम क्या बनाते हैं? प्रमुख रूप से इससे जो होजरी के वस्त्र होते हैं वही इकहरे धागे से बनाए जाते हैं। जो होजरी के वस्त्र होते हैं वही प्रमुख रूप से इकहरे धागे से बनाए जाते हैं। बहुरेसी धागे, जैसे कि एक रेसे को हम आपस में मिला दिए, 1+1 कर दिए, तो यहाँ पे हमको 2 रेसी धागे मिल गए, 2+2 कर दिए तो 4 रेसी धागे, इस तरह हमने आप लोगों को बताया भी था। तो बहुरेसी धागे वह होते हैं जिसमें कई एक रेसी धागे को आपस में मिला देते हैं, तो वह जो धागा हमें मिलता है उसे बहुरेसी धागे कहा गया है। और इससे जो वस्त्र बनेंगे क्या होते हैं वह, इनकी मजबूती कम होती है लेकिन इनकी मजबूती ज़्यादा रहेगी। बहुरेसी धागे से जो भी हम वस्त्र बनाएंगे इनकी मजबूती ज़्यादा होगी, और इनसे होजरी के अलावा जो भी वस्त्र होते हैं वह इनसे बनाए जाते हैं, इनकी मजबूती ज्यादा होती है। ठीक है, फिर आता है हमारा स्ट्रेच धागा। स्ट्रेच धागा सब लोग इसको जानते होंगे, जो धागा खींचने पर खींच जाए,
और छोड़ने पर फिर घुंघराला जैसे हो जाए, खींचने पर खिंच जाए, छोड़ने पर घुंघराला जैसे हो जाए, तो उसे हम स्ट्रेच धागा कहते हैं। इलास्टिक, इलास्टिक हम लोग प्रयोग करते हैं वो नायलॉन का ही बना होता है, स्ट्रेच धागे के द्वारा ही बना होता है। जब हम खींचते हैं तो वो अच्छे से खिंच जाता है, फिर छोड़ने पर वो अपनी पूर्वाकृति प्राप्त कर लेता है, तो उसे ही स्ट्रेच धागा कहते हैं। और इसमें जो होते हैं स्ट्रेच धागे से जो फ्री साइज के कपड़े होते हैं, अक्सर आप लोग देख रहे होंगे इसमें जो कपड़े बन रहे हैं वो फ्री साइज के कपड़े बन रहे हैं कि कोई भी उसे पहन सकता है। तो ये कैसे बनते हैं, वो स्ट्रेच धागे के द्वारा ही बनाते हैं कि जो मोटा पतला जो भी हो उस कपड़े को आसानी से पहन सके। देखने में तो बिल्कुल पतला सा लगेगा लेकिन जब हम उसको पहनते हैं तो वो हमारे शरीर में पूरी तरह से फिट हो जाता है। तो वह जो होते हैं वस्त्र हमारे स्ट्रेच धागे के द्वारा ही बनाए जाते हैं। इससे प्रमुख रूप से हमारे क्या बनते हैं, स्लैक्स बनते हैं, स्वेटर बनते हैं, इससे जैकेट, ये सारी जो चीजें हैं वो हमारे स्ट्रेच धागे के द्वारा बनता है। फिर आता है हमारा कटा हुआ धागा। कटा हुआ धागा जो होता है यानी कि जो धागे लंबे लंबे हमारे नायलॉन के धागे क्या होते हैं कि रासायनिक धागे हैं, रासायनिक धागे तो इसको मानव ने जितना लंबा चाहिए होता था उतना लंबा इसको प्राप्त करते हैं। लेकिन कटे हुए धागे का मतलब क्या होता है कि जो धागा लंबा है लेकिन उसको 1 से 5 इंच तक काट दिया जाता है, काट के उनकी कटाई करके बुनाई की जाए, कटाई करके फिर उनको ऐठन देकर अच्छे से उनसे धागे बनाए जाते हैं। जैसे कपास का होता है ना, कपास का धागा काट करके बट करके ऐठन देकर वस्त्र बनाया जाता है, उसी तरह से कटे हुए धागे को काट करके ऐठन देकर फिर इनसे वस्त्र बनाए जाते हैं। लेकिन इनके जो वस्त्र होते हैं वो क्या होते हैं, रोएदार होते हैं। रोएदार का मतलब होता है कि जब हम उसको धुलते हैं तो ऊपर से उसमें रोए निकलने लगते हैं। जैसे कि आप लोग कपास में भी देखे होंगे सूती जो हमारे कपड़े होते हैं उसमें ये अवगुण होता है कि जब हम उसको धुल उल लेते हैं एक आध बार ब्रश से अगर हम उसको रगड़ दिए तो उसमें से रोए निकल जाते हैं। उसी तरह से जो कटा हुआ धागा होता है क्योंकि वह छोटे छोटे रेशों से बना होता है जिस कारण से इसमें से भी रोए निकल जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा टेक्सचर धागा। टेक्सचर धागा जो होता है यह सामान्य धागा ही होता है, सामान्य जो वस्त्र होते हैं वैसे ही होते हैं। जैसे कि हमारे जो वस्त्र हैं इनको हमने ताने बाने के द्वारा बुनाई किया। ताने जब हम लोग बुनाई चैप्टर पढ़ेंगे तो इसको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। ताने बाने के द्वारा जब हम बुनाई किए तो ये वस्त्र हमारा बन गया। लेकिन इसको क्या कहते हैं, टेक्सचर धागे को मशीन के द्वारा इस पे लूप उठाए जाते हैं। लूप यानी कि बड़े बड़े जो लूप होते हैं वो बनाए जाते हैं, बड़े बड़े लूप फिर ऊपर से इनके उठाए जाते हैं। इस तरह से लूप ऐसे ऐसे उठाए जाएंगे इसमें तो लूप निकलते हैं, तो क्या होते हैं वो वस्त्र हो जाएगा हमारा रोएदार हो जाएगा। सिंपल हमारा कपड़ा है अगर उसके ऊपर रोए उठा दिए जाए तो हमारा वस्त्र कैसा हो जाएगा, रोएदार हो जाएगा और वह गर्मी का एहसास दिलेगा। ऐसा जो वस्त्र होता है टेक्सचर धागा उसमें लूप उठे रहते हैं और वह जो लूप होता है वह गर्मीपन का एहसास दिलाता है, जिससे इसके क्या होते हैं इसके कंबल या शॉल, आप लोग शॉल में भी देखते हो कि लूप बने होते हैं, कंबल में तो उसके लूप बने ही होते हैं, तो कंबल शॉल जो होते हैं वो हमारे टेक्सचर धागे के द्वारा बनाए जाते हैं। हम लोग इसको और अच्छे से डिटेल में क्या क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। जो हमारा इकहरा धागा होता है महीन होता है, इकहरा धागा हमारा क्या होता है महीन हो गया, चमकदार हो गया, लेकिन इसकी मजबूती क्या होती है कम होती है और इससे क्या बनाए जाते हैं, बस होजरी के वस्त्र ही इकहरे धागे से बनाए जाते हैं लेकिन इनकी मजबूती क्या होती है वो कम होती है। फिर आते हैं हमारे बहुरेशी धागे यानी कि अनेक रेशों को जब हमने आपस में मिलाया तो हमको बहुरेशी धागा प्राप्त हुआ। और जो हमारा बहुरेशी धागा होता है वो अत्यंत ही मजबूत होता है, अत्यंत ही मजबूत होता है, लचीले होती हैं और इसके द्वारा क्या बनाए जाते हैं गाउन, नाइटी गाउन जो हम लोग गाउन लॉन्ग गाउन जो होता है वो और नाइटी गाउन भी हमारे बहुरेशी धागों से बनाए जाते हैं। जो नायलॉन का बहुरेशी धागे होते हैं उसके गाउन और नाइटी गाउन बनाए जाते हैं। इसके जो एग्जाम्पल है वो आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखिए क्योंकि एग्जाम में यही पूछेगा कि कौन से धागे से नाइटी या गाउन बनाया जाता है, कौन से धागे से हमारा कंबल बनाया जाता है, कौन से धागे से हम शॉल बनाते हैं, कौन से धागे से हम स्लैक्स बनाते हैं। तो ये सब बिल्कुल जो एग्जाम्पल है वो चीज ध्यान में रखिएगा आप लोग। तो जो हमारे बहुरेशी धागे होते हैं बहुत मजबूत होते हैं और इनसे हम गाउन और नाइटी गाउन बनाते हैं। नेक्स्ट हमारा स्ट्रेच धागा। स्ट्रेच धागा जो खींचने पर फैल जाए और छोड़ने पर घुंघराले हो जाते हैं, खींचने पर फैल जाते हैं और छोड़ने पे वो
घुंघराले हो जाते हैं। तो इसके क्या बनते हैं, स्लैक्स बनते हैं, जर्सी बनता है, स्वेटर, कार्डिगन और होजरी आदि के वस्त्र इससे बनाए जाते हैं। यानी कि जो हम लोग स्लैक्स पहनते हैं, स्लैक्स देखिए दिखने में बिल्कुल पतला होता है, लेकिन जब हम उसको पहनेंगे तो आसानी से हम पैर में पहन लेते हैं। पहले कॉटन का चूड़ीदार सलवार होता था, वो पहनने में कितना दिक्कत होता था, लेकिन स्लैक्स को क्या है, बिल्कुल आसानी से पहन सकते हैं, क्योंकि ये स्ट्रेस धागों के द्वारा बना होता है, जिससे कि उसमें फैलने सिकुड़ने की अद्भुत क्षमता होती है। इसके द्वारा हम स्लैक्स, जर्सी, स्वेटर, कार्डिगन आदि बनाते हैं। नेक्स्ट है हमारा कटा हुआ धागा। इसमें क्या करते हैं, हम लंबे रेशे को 1 से 5 इंच तक काट देते हैं। जो हमारे लंबे रेशे होते हैं उनको हम 1 से 5 इंच तक काट देते हैं, जिससे कि हमारा जो वस्त्र होता है मजबूत धागा बनता है। धागा हमारा मजबूत होगा, क्योंकि यह कपास भी जो होता है बहुत मजबूत होता है, वे धागे भी मजबूत होते हैं, लेकिन इनकी सतह क्या होती है, खुरदुरी होती है, क्योंकि छोटे छोटे जो रेशे होते हैं इसके कारण इनकी सतह क्या होगी, वो खुरदुरी होगी, बिल्कुल प्लेन नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारा टेक्सचर धागा। टेक्सचर धागा यानी कि मशीन द्वारा हम वस्त्र पर रोए बना रहे हैं। सर कपड़ा हमारा वही है, लेकिन मशीन द्वारा हम रोए, कौन सी मशीन का प्रयोग करते हैं हम, हाई प्रेशर एयरजेट का प्रयोग करके हम जो हमारे वस्त्र होते हैं उस पे रोए बनाए जाते हैं। जो वस्त्र है नायलॉन का उस पे हाई प्रेशर एयरजेट का प्रयोग करके उस पे रोए बनाए जाते हैं, और जो वस्त्र होते हैं हमारे मोटे हो जाएंगे, क्योंकि अगर वस्त्रों पर रोए उठा दिए जाएंगे तो वह वस्त्र हमारे क्या हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। आप लोग देखते होंगे अगर हम लोग कॉटन का रुमाल यूज करें तो कितना पतला सा होता है, वहीं पर जब हम रोएदार वाले रुमाल का यूज करते हैं, टॉवल वाले यूज करते हैं, तो वो कितना मोटा हाथ में दिखता है। तो अगर हम वस्त्र पे रोए बना लेते हैं तो वह वस्त्र हमारा क्या हो जाएगा, मोटा हो जाता है, लेकिन उसका वजन क्या होता है, वह हल्का होता है रोए उठा देने से भी, क्योंकि हमारा नायलॉन का जो रेशा होता है बहुत हल्का होता है, उसे हल्के वस्त्र बनते हैं। तो इसमें हमारे मोटे हो जाएंगे, लेकिन जो हमारा वस्त्र होता है बिल्कुल हल्का होता है लेकिन फुज्जीदार होता है। फुज्जीदार का मतलब उसके ऊपर रोए जब बने रहेंगे तो जो हमारा वस्त्र है वह फुज्जीदार ऐसे तरह के दिखाई देते हैं। इसके प्रमुख रूप से साल और कंबल बनाए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे नायलॉन की विशेषताएं। जो नायलॉन होते हैं, नायलॉन सबसे मजबूत रेशा होता है, बहुत इसकी मजबूती ज्यादा होती है, इसके कारण जो पैरासूट आदि, पैरासूट की जो रस्सियां होती है वो भी इसी की बनाई जाती हैं। सबसे जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसमें नायलॉन की जो रस्सी, जो पैरासूट की जो रस्सियां बनाई गई थी वो इसी की, नायलॉन की ही बनाई गई थी, क्योंकि ये जो रेशा होता है बहुत मजबूत होता है। तो जो इसकी मजबूती कारण इसके जो सीट बेल्ट होते हैं, टायर होते हैं, टायर की रस्सियां होती हैं, ये सारी चीज, सीट बेल्ट जो होता है, टायर की रस्सियां होती हैं, वो सारे हमारे नायलॉन के बने होते हैं। और इसमें क्या होती है, घर्षण सहन करने की क्षमता होती है, यानी कि वस्त्रों को हम रगड़ रगड़ के भी अच्छे से धुल सकते हैं, वस्त्र हमारे फटते नहीं है, यानी कि वस्त्र जो हमारा धागा हो, जो हमारा रेशा होता है उसमें घर्षण सहन करने की अद्भुत क्षमता होती है। नेक्स्ट है हमारा प्रत्यास्थता व प्रतिस्कंदता। प्रत्यास्थता प्रतिस्कंदता क्या मतलब होता है कि वस्त्र, अगर हम ऐसे वस्त्र को खींचते हैं तो अपनी पूर्वाकृति प्राप्त कर ले। वस्त्रों को ऐसे हम हाथ में मोड़ दिए, मोड़ने से क्या हो जाते हैं कि वस्त्र एकदम सिकुड़ जाते हैं, लेकिन फिर उनको हम अगर अच्छे से फैला देते हैं तो वो फिर अपनी पूर्वाकृति प्राप्त कर लें। जैसे कि कोई भी कपड़ा है उसको हम अगर ऐसे हाथ में मोड़ लें और फिर जब हम इसको फैलाते हैं तो वह अपने पहले की ही तरह पूरा अच्छे से सीधा दिखता है, उसे ही प्रत्यास्था का गुण कहा जाता है। तो जो ये हमारे नायलॉन होते हैं इसमें प्रत्यास्था प्रतिस्कंदता का गुण होता है, जिससे इसमें प्रेस करने की जरूरत नहीं होती है, पहले से ही हीट सेट विधि द्वारा इनको एक विशेष तापक्रम देकर इनको परमानेंट ऐसे बनाया जाता है कि हम धुल के भी इसको आसानी से पहन सकते हैं। तो इसमें प्रत्यास्था प्रतिस्कंदता गुण पाए जाते हैं। लेकिन हमारे जो कॉटन का कपड़ा होता है, आप लोग देखते हुए कॉटन कपड़े को अगर हम मोड़ दें तो बिना उसको प्रेस करके हम फिर इसको यूज नहीं कर सकते, तो उसमें प्रत्यास्था और प्रतिस्कंदता का गुण बहुत ही कम पाया जाता है, नहीं के बराबर पाया जाता है। आर्द्रता अवशोषक क्षमता। आर्द्रता अवशोषक मतलब होता है कि वस्त्र जल्दी भीगते नहीं है। आप लोग नायलॉन के कपड़े के कभी पानी डाल के देखिएगा, वो सरक जाएगा, अंदर बिल्कुल उसमें पानी नहीं जाते हैं, अंदर पूरी तरह से पानी, जैसे हमारा कॉटन का कपड़ा क्या होता है, पानी डाल दिया वो पूरी तरह से सोख लेता है, लेकिन नायलॉन के कपड़े भी पानी डालेंगे वो फिसल के नीचे आ जाता है। तो इसमें आर्द्रता और क्षमता जो होती है कम होती है, पानी जो वस्त्र जो होते हैं हमारे वो भीगते नहीं है, अगर हम पानी डालते हैं तो फिसल कर नीचे की तरफ आ जाते हैं।
रेसे जो क्या होते हैं, जो हमारे नायलॉन का धागा होता है इसके रेसे बिल्कुल पास पास सटे होते हैं। जब हम बुनाई करते हैं तो जो इसके रेसे होते हैं वो बिल्कुल पास पास सटे होते हैं। पास पास सटे होने के कारण ये बिल्कुल ऐसे से पास पास सटे हुए हैं, पास पास सटे होने के कारण इसमें जो है वायु का आवागमन नहीं हो पाता है। पास पास बिल्कुल सटे हैं तो इसमें जो हवा है वो न अंदर जा पाएगा और न अंदर की हवा बाहर आ पाएगी, जिससे वायु का आवागमन नहीं हो पाता। इस कारण ये गर्मी के लिए ज्यादा उपयुक्त नहीं होते हैं। गर्मी में ये हल्के होते हैं, आप पहनोगे तो बिल्कुल हल्का लगेगा, लेकिन क्या होती है पसीनों को सोखते नहीं है बिल्कुल। हमारे शरीर को पसीने हमारे अंदर अगर है तो बहते रहेंगे, वो सोखेंगे नहीं उसको, लेकिन पहनने में ये बिल्कुल आरामदायक लगेंगे, आपको हल्के लगेंगे। लेकिन ये प्रमुख रूप से क्या होता है कि इसमें जो ताना बाना होता है, इसकी बुनाई बिल्कुल पास पास होती है, जिसके कारण इसमें हवा का आवागमन नहीं होता है। आर्द्रता और अवशोषण क्षमता इसकी कितनी होती है, 11 से 12%, यानी कि जल अवशोषण जो क्षमता होती है मात्र इसमें 11 से 12% तक होती है। चमक ज्यादा होता है ये हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर होता है हमारा तनाव सामर्थ्य, यानी कि इनके तनाव सामर्थ्य ज्यादा होता है, इनको तोड़ मड़ोड़ के किसी तरह से भी हम रख सकते हैं, फिर हम उसको जब पहनना रहते हैं एक बार हम उसको अच्छे से फैला दिए फिर उसको हम पहन सकते हैं, यानी कि इनमें तनाव जो सामर्थ्य होती है वो ज्यादा होती है। सिकन प्रतिरोधा, सिकन प्रतिरोध क्षमता भी इनमें ज्यादा होती है, क्योंकि इन्हें हिट सेट विधि के द्वारा, हिट सेट विधि के द्वारा इन्हें एक आकार प्रदान कर दिया जाता है। हिट सेट एक परिसज्जा है, इसके द्वारा इन्हें एक आकार प्रदान कर दिया जाता है, जिससे कि बार बार अगर हम इसको मोड़ रहे हैं किसी तरह से कर रहे हैं तो इसमें सिकुड़न नहीं आते हैं और वस्त्र अपनी पूर्व आकृति में जैसे ही पहले वो बने हुए हैं वैसे ही बने रहते हैं, तोड़ने मरोड़ने के पश्चात भी वे सिकुड़ते नहीं है। नेक्स्ट है सफाई धुलाई। सफाई धुलाई क्या है, इनकी सतह क्या होती है बिल्कुल चिकनी होती है, इसे पानी में डाला नीचे गिर गया तो इनकी सतह क्या होती है बिल्कुल चिकनी होती है, जिससे कि दाग धब्बे जो होते हैं वो इस पे चिपकते नहीं है। अगर दाग धब्बे धूल उड़े आदुरे तो वो फिसल के नीचे गिर जाएगा, आधे चिपकते नहीं है, जिससे कारण से इसमें जो दाग होते हैं वो नहीं ज्यादा नहीं लगते हैं। नायलॉन का एक अति विशिष्ट लक्षण है कि ये एक थर्मोप्लास्टिक होता है। थर्मोप्लास्टिक का क्या मतलब होता है, नायलॉन के एक सबसे विशिष्ट लक्षण होता है कि यह थर्मोप्लास्टिक होता है। थर्मोप्लास्टिक का क्या अर्थ होता है कि ऐसा प्लास्टिक पॉलीमर जो तापमान बढ़ने पर अधिक कोमल हो जाता है और गिरने पर अधिक ठोस हो जाता है, यानी कि जब तापमान बढ़ता है उसको गर्म किया जाता है तो वह अधिक कोमल हो जाता है और जब ठंडा किया जाता है तो वह टाइट हो जाते हैं। जैसे कि पॉलीथीन आप लोग देखोगे, पॉलीथीन को जब हम आग के संपर्क में आते हैं तो क्या होता है वो बिल्कुल छोटा सा हो जाएगा, बिल्कुल इतना बड़ा पॉलीथीन है, लेकिन हम जब आग के संपर्क में आएंगे फिर उसको हम थोड़ा सा वो ठंडा हो गया तो फिर उसको हम गोल उल करके कोई भी आकृति प्रदान कर सकते हैं। थर्मोप्लास्टिक का और एग्जाम्पल आप लोग देखिए कि जो बॉटल होते हैं प्लास्टिक वाले जो बॉटल वो भी थर्मोप्लास्टिक के बने होते हैं। जो हम लोग ये बिजली के जो तार होते हैं, तार का जो ऊपर वाला होता है हिस्सा प्लास्टिक का, वो भी थर्मोप्लास्टिक का होता है। जो इंजेक्शन आदि होते हैं मेडिकल में, बहुत सारी चीजें होती हैं जो थर्मोप्लास्टिक की बनी होती हैं। इन्हें क्या होता है कि जब गर्म कर देंगे हम तो ये पूरे रूप से दूसरे गोल हो जाएगा, जिसको हम अपने अनुसार कोई भी आकृति बना सकते हैं। ठंडा होने पर ये पूरे रूप से कठोर हो जाते हैं, लेकिन गर्म होने पर जब हम उनको ताप के संपर्क में रखेंगे, ताप उसकी बढ़ाएंगे तो वह कोमल होते चले जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे नायलॉन के धागे से कैसे वस्त्र का निर्माण किया जाता है। जो नायलॉन के धागे से वस्त्र निर्माण वो कई प्रकार के होते हैं। पहला होता है 100% नायलॉन के वस्त्र। 100% नायलॉन के वस्त्र का क्या मतलब होता है कि जो नायलॉन का जो हमने वस्त्र बनाया उसमें पूरा 100% बस नायलॉन का रेशा मिला हुआ है और कोई भी रेशा उसमें नहीं मिलाया जाता है, तो उस वस्त्र को हम क्या कहेंगे, 100% नायलॉन का वस्त्र। आप लोग देखते होंगे जब हम लोग कपड़े लेने जाते हैं तो उसमें जो लेबल लगा होता है उसमें लिखा रहता है 100% कॉटन, 100% नायलॉन, 100% रेयॉन। अक्सर अभी जो कपड़े बहुत ज्यादा बन रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा मिक्स करके बन रहे हैं, दो रेशों को आपस में मिला दिया जाता है, और इसकी दो रेशों को जब आपस में मिलाया जाता है इसकी क्वालिटी क्या होती है और भी अधिक बढ़ जाती है। अगर दो रेशे आपस में मिलाते हैं, अभी हम लोग इसमें आगे पढ़ेंगे, तो दोनों रेशों के गुण हमको एक ही वस्त्र में मिल जाएंगे। जैसे कि आजकल देखिए बहुत ज्यादा कॉटन सिल्क कपड़ा प्रचलित है,
कॉटन सिल्क की साड़ी मिल रही है जिसमें सिल्क के कपड़े में कॉटन की क्वालिटी आ जाए, जिससे कि क्या हो जाए, उसका दाम भी कम हो जा रहा है और जो उसकी सफाई धुलाई सुरक्षा है वह कम हो जाए। जैसे कि जो हमारा सिल्क का कपड़ा होता था ऐसे तो हम उसको ड्राई क्लीन करवाते हैं, लेकिन अगर कॉटन सिल्क का कपड़ा, कॉटन सिल्क की साड़ी हम लेते हैं तो उसको हम घर पे भी आसानी से धुल सकते हैं। देखने में वो रेशम के समान बिल्कुल हमारी सिल्क की साड़ी की तरह ही लगेगा, देखने में वो वैसे ही चमकेगा, वही सारी गुड़ होते हैं, लेकिन बस उसके दाम को कम और उसकी देखभाल को कम करने के लिए दो रेशों को आपस में मिलाकर के वस्त्र बनाया जा रहा है। नेक्स्ट होता है हमारा समिश्रित वस्त्र। समिश्रित वस्त्र का मतलब होता है कि अन्य वर्ग के रेशों को, जैसे कि जो हमारा नायलॉन का रेशा है वो हम कैसे प्राप्त किए, नायलॉन के स्पिनरेट के छिद्र में हमने रासायनिक घोल को डाला और हमने रेशे को प्राप्त किया। लेकिन अगर हमको समिश्रित वस्त्र प्राप्त करना होता है कि तो जो वो हमारा रासायनिक घोल होता है उसी कच्ची अवस्था में ही हम उसका जो भी हमको समिश्र चाहिए होता है, जो भी रेशे का समिश्र चाहिए होता है उसी घोल में हम उसको मिला देते हैं, तो जो रेशा हमारा बन के सामने आएगा दोनों रेशों की क्वालिटी उसमें मिलके आएगी। तो जो हमारा समिश्रित वस्त्र होता है इसको तीन भागों में बांटा गया है। समिश्रित वस्त्र जो होते हैं इन्हें तीन भागों में बांटा गया है। पहला है हमारा ब्लेंड रेशा। ब्लेंड रेशे द्वारा, ब्लेंड रेशे का मतलब होता है कि जो हमारा रेशा है उसी को ही छोटे छोटे भागों में बांट दिया गया, छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया गया, फिर कट के बांट के ऐठन देके उसे वस्त्र बनाए गए। तो उसमें से बहुत कोई भी, जैसे कि हमारा नायलॉन के है इसके साथ हमने कपास को मिला दिया, तो उसको छोटे छोटे कटाई करके, बटाई करके, फिर बुनाई करके फिर हम वस्त्र का निर्माण करते हैं, तो ऐसे वस्त्र को हम ब्लेंड रेशे द्वारा निर्मित वस्त्र कहते हैं। फिर आ गया हमारा मिक्सर रेशा। मिक्सर रेशा क्या होता है कि दो वर्ग के रेशों का हम प्रयोग करते हैं, जैसे कि एक हमने नायलॉन का प्रयोग किया और एक धागा हमने क्या डाला, ऊन का। एक धागा, जैसे यहाँ पे हमने एक नायलॉन का धागा यूज किया और एक धागा यूज किया ऊन का, तो यहाँ पे जो हमको रेशा, जो हमको वस्त्र प्राप्त हुआ उसमें हमने नायलॉन की क्वालिटी भी मिल गई, नायलॉन के समान मजबूती भी मिल गई। नायलॉन, ये बहुत ध्यान दीजिएगा, नायलॉन का वस्त्र होता है वो हमारा बहुत मजबूत होता है, तो नायलॉन का वस्त्र हमने प्राप्त किया तो हमारी मजबूती भी हमको मिल गई, क्योंकि ऊन की मजबूती कम होती है और ऊन की जो जो गर्मीपन का, उष्णता का आवास है उससे भी हमें, उसे भी हमें ये प्राप्त हो गया, तो दोनों क्वालिटी हमको एक ही वस्त्र में मिल गया, तो उसे हम मिक्सर रेशे द्वारा निर्मित वस्त्र कहते हैं। उसी तरह से एक धागा हम नायलॉन का ले लेंगे और एक धागा हम कपास का ले लेंगे, तो दोनों क्वालिटी के गुण हमको एक ही वस्त्र में आ जाते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा संयोजित वस्त्र। संयोजित वस्त्र का मतलब होता है कि जो दो भिन्न भिन्न वर्ग के रेशे होते हैं, जैसे कि एक हमारा नायलॉन का रेशा स्पिनरेट से हमने इसको निकाल लिया, फिर एक यहाँ पे हमारा कपास का रेशा। कपास के रेशे, जब नायलॉन और कपास के रेशों को अलग अलग रेशा हमने प्राप्त कर लिया, दोनों अलग अलग रेशे हैं, और फिर इन दोनों को आपस में बट कर, जैसे कि ये दो रेशे हैं, दोनों को आपस में बट कर ऐठन देकर जब हम वस्त्र बनाते हैं तो उसे हम संयोजी वस्त्र कहते हैं, और जब हमने दो अलग अलग रेशों को आपस में मिलाया तो उसे हम क्या कहेंगे, एक प्लाई कहते हैं। दो भिन्न भिन्न वर्ग के रेशे को जब हम आपस में मिलाते हैं तो उसे हम एक प्लाई कहते हैं, एक प्लाई कहते हैं। बटकर हमने बनाया तो उसे हमने एक प्लाई कहा। तो इसमें हमारे दो वर्ग के रेशे, लेकिन जब हमने इसको बटा तो ये एक रेशे हो गए और दोनों रेशों की क्वालिटी इसमें आ गई। जैसे कि नायलॉन और सूती रेशे को आपस में मिला दिए गए, नायलॉन और ऊनी रेशे को आपस में मिला दिया गया, नायलॉन और रेशमी रेशे को आपस में मिला दिया गया, नायलॉन और एसीटेट रेशे को, एसीटेट रेयॉन जो होता है उसको भी मिला दिया गया, फिर हमारा नायलॉन रेयॉन के वस्त्रों को मिलाकर दोनों क्वालिटी के गुड़ बनाए जाते हैं, फिर हमारा होता है नायलॉन और डेक्रान, यानी कि इतने रेशे को जब हम आपस में मिलाएंगे तो ये जो हमारे वस्त्र बनेंगे वो दो रेशे, दो प्लाई से, एक प्लाई से मिलकर बनेंगे, यानी कि दो रेशे को जब आपस में मिलाते हैं तो उसे हम एक प्लाई कहते हैं, और इनसे जो रेशे बनेंगे उसमें दोनों रेशों के गुण हमारे वस्त्र में आते जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट होता है जो हमारे धागे होते हैं उनका हम प्रबलन के रूप में भी प्रयोग करते हैं। प्रबलन का मतलब क्या होता है कि जो हमारे
नायलॉन के धागे होते हैं बहुत मजबूत होते हैं, तो मजबूत होने के कारण जो जैसे कि कुछ हमारे कपड़े होते हैं वो कुछ स्पेशल जगह से फटते हैं, जैसे कि स्वेटर आते थे कोहनी के पास फट जाते हैं। सॉक्स देखिए हम लोग जो पहनते हैं तो वो या तो अंगूठे के पास फटते हैं या वहां पे जहाँ पे एड़ी होती है वहां पे फटते हैं। तो जहां पे जो वस्त्र कमजोर होता है, जहां से ज्यादा फटता है, उस स्थान पर बस नायलॉन का प्रयोग करना, यानी कि जो हमारा अगर सॉक्स बन रहा है पूरा कॉटन का बन रहा है, लेकिन जो वहां पे एड़ी के जगह पे और जहां पे अंगूठी है जो उंगलियां हैं उस स्थान पे बस नायलॉन के धागे का प्रयोग करना, उसे ही प्रबलन कहा जाता है। जहां से वस्त्र हमारे जो भी वस्त्र हैं वो जहां से घिसकर फटते हैं, जहां से घिसकर वो जल्दी से फट जाते हैं, बस उसी हिस्सों पर नायलॉन के धागे का प्रयोग करना, पूरे वस्त्र में नायलॉन के धागे का प्रयोग नहीं करना, बस उसी हिस्से में जहां से वस्त्र हमारे घिसकर जल्दी से फट जाते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रबलन के रूप में तैयार वस्त्र कहते हैं। इसके द्वारा हम सूती मोजे की उंगलियां, एड़ियों की जगह, स्वेटर की कुहने की जगह, ये सारे जो वस्त्र होते हैं ये प्रबलन के रूप के द्वारा तैयार होते हैं। आप लोगों को समझ में आया होगा, जो कुछ नहीं समझ में आएगा आप लोग मुझे बताइएगा, और इस चीज को एक बार अच्छे से आप लोग देखिएगा। और ये हमारा नायलॉन, पूरा नायलॉन के बारे में डिटेल था, ये सारी जानकारियां थी। अब हम लोग आगे और जो भी ड्रेसें हम लोग पढ़ चुके हैं उसकी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या हमारा बच गया था, सब कुछ हम लोग उसको कवर करेंगे। फिर नेक्स्ट में हम लोग जब भी लाइव आएंगे तो सबका टेस्ट लेंगे, जिससे कि आप लोग का क्लियर हो जाएगा कि क्या चीज़ नहीं समझ में आया। आप लोगों के कुछ क्वेश्चन होंगे वो आप लोग बताइएगा। नमस्कार।